बिहार से ठंड की विदाई शुरू हो गई है। राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। वहीं बीते 9 फरवरी की सुबह 8:30 बजे से आज यानी 10 फरवरी की सुबह तक दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहने के बाद अब तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। हवा का रुख भी बदलने वाला है। आने वाले दिनों में पछुआ की जगह पूर्वा हवा का बहाव होगा। नतीजन आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जैसी स्थिति बनने वाली है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। वही राजधानी सहित राज्य में 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। पछुआ की जगह पूर्वा हवा चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। अब राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान 12 से 14 फरवरी के बीच बिहार के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार हैं। आज यानी कि 10 फरवरी को बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। सुबह के समय दक्षिण बिहार के 1 या 2 स्थानों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम सुहाना है। कई दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब गिरावट की जगह बढ़ोतरी होने वाली है। आज दिन का तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा का रुख बदलेगा और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको बता दें कि बीते 9 फरवरी को रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 1 अंक में आ गया है। इस दिन फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल और छपरा को छोड़ सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। 9 फरवरी को सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान फारबिसगंज में 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन की बात करें तो सभी जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस मधुबनी में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया। एक बार फिर से बता दें कि बिहार से अब ठंड की विदाई शुरू हो गई है। राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। 9 फरवरी की सुबह 8:30 बजे से 10 फरवरी की सुबह यानी कि आज सुबह तक दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहने के बाद अब तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। हवा का रुख भी बदलने वाला है। आने वाले दिनों में पछुआ की जगह पूर्वा हवा का बहाव होगा। नतीजन आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जैसी स्थिति बनने वाली है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी सहित राज्य में 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। पछुआ की जगह पूर्वा हवा चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। अब राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का भी पूर्वानुमान है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।